लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तुम बोस नहीं हो, फिर हमें देख के भागे क्यों? सर, दुनिया में किसी भी इंसान के पीछे लोग बंदूक लेके दौड़ेंगे वो तो भागेगा ही ना। इसका मतलब यह नहीं कि वो बोस है। बोस कहाँ है? आपको खबर नहीं मिली? वो तो मर गए बेचारे। He's just fooling us around. Does your sources have anything on Bose? Yes, sir. We just found that Bose has rented a room in a nearby hotel. खबर पक्की है? Excuse me. बोस वहां थे या नहीं थे कहना मुश्किल था। इसी दौरान ब्रिटिश पुलिस के हाथ आ गए थे तीन हिंदुस्तानी। Yes. How may I help you? एक बस ड्राइवर, एक टिकट मास्टर और एक होटल मैनेजर। इस आदमी को देखा है? मजाक कर रहे हैं? आपके पीछे तो खड़ा है। बेवकूफ समझते होने क्या तुम? मतलब आदमी और आदमी का फोटो दोनों साथ में लेके घूमेंगे लोग? सारे फोटो वाला आदमी कोई और है। इसका नाम बोलिए। ध्यान से देखो और बताओ कि उस दिन होटल में ये आदमी आया था कि ये आदमी? नहीं सर, वो कोई और था। दिखता ऐसे ही था लेकिन ये नहीं था सर। आर यू श्योर? यस सर। तो वो आदमी कौन था और यहाँ कब आया? 3 दिन पहले वो यहाँ आया था। I need a room. Okay. Your name? Joseph. Your signature? Room 102. Yeah, thank you. आगे से ऊपर। Go up and check. Sir. करता क्या था वो? उसके कमरे से सिर्फ कागज के जलने की बू आती थी। वो पूरा दिन अपने कमरे में रहता था। खाने के लिए, कमरा साफ करने के लिए भी दरवाजा नहीं खोलता था। सिर्फ लिखता था और जलाता था। मैंने भी एक बार सोचा कि लड़ाई तो खत्म हो गई है, ये कौन सा नया चक्रव्यूह रच रहा है। उसे सिर्फ यहां से निकल जाने की जल्दी थी। Thank you.
उसने आकर इतना पूछा कि कोई गाड़ी या बस कुछ मिलेगी। कहीं पास जाना होता तो मैं खुद उसे अपनी गाड़ी से छोड़ देता, लेकिन फिर उसने मुझसे कहा जहन्नम के एक स्टॉप पहले चलोगे। बड़ा अतरंगी आदमी था। कब से काम कर रहे हो यहाँ पे? 3 साल से। Sir, these were found in boss's room. Sir, call up Anderson and ask about Watanabe. I need details. Yes, sir. Move. Hindustani ho? Ji haan, sir. यहाँ क्या कर रहा हूँ मंचूरिया में? मजदूर आदमी हूँ साहब, जहाँ पैसा मिलेगा वहीं तो काम करेंगे। वैसे भी अब हिंदुस्तान अपना कहाँ रहा, वहाँ तो अंग्रेजों ने अपना घर बसा लिया है। इसे जानते हो? नहीं, इन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा है। सर, शक्ल देख के लग रहा है झूठ बोल रहा है। Where did this come from? मेरी बीवी का है। कहाँ से आया ये? हाँ, वो यहाँ आया था, बहुत जल्दी में था। उसे एक ही दिन में इंचियो पहुँचना था। उसने इंचियो जाने वाली अगली बस की सारी टिकटें मुझसे खरीद ली। इंचियो जाना? ये बस कहीं नहीं जाएगी। मुझे पहचानते हो? भाई साहब क्यों दिमाग खराब कर रहे हैं? थका हुआ हूँ, सोने दीजिए मुझे। कब निकला वो? 2 दिन पहले। सर, मैं निकलूं? उसको एक ही दिन में इच्छा पहुंचना था, बहुत जल्दी में था। डैडी ड्राइवर है। हिंदुस्तानी हो ना? जी। अच्छा काम करने जा रहे हो। इतनी जल्दी क्या इंचाओ पहुंचने के साहब? ये पूरा बस आपने भाड़े पे ले लिया? कुछ पुराने दोस्त आ रहे हैं मिलने, टाइम पे नहीं पहुंचा तो बुरा मान जाएंगे। सब कुछ खाने पे नहीं या किसी और चीज का इंतजाम करना हो तो हम कर सकते हैं, हर चीज मिलती उधर। फौज चाहिए, मिलेगी क्या? टैंक्स, ग्रेनेड्स, राइफल्स के साथ। अजीब था, इस लड़ाई में इतना कुछ देखा है सर कि मुसीबत को हड्डियों में भांप लेता हूं, और इसीलिए मैंने उसका पीछा भी नहीं किया। बहुत खतरनाक आदमी था क्या सर? इंचियों से पहुंचने से पहले गायब हो गए, ठीक है, तो आसपास तो कुछ है नहीं, तो इंचियों ही जा रहे होंगे। वहां काहे जाएंगे? किसी से मिलना होगा, कोई पुराना दोस्त होगा, कौन हो सकता? I'm not quite sure it was Bose outside of Incheon. We have made that mistake before. सरकार, वो पक्का बोस बाबू हैं। ये आंख में धूल झोंक के गायब हो जाने का पहंतरा वो पहले भी बहुत बार इस्तेमाल किए हैं। ये खासियत है उनका। We need to think like Bose. We need to find out where he's going and get there first. That's the only way. Indeed. An old friend. All right, well let's see. Raymond's already in custody. Ramorty's already stabbed him in the back, so he's out. Who do you want to make contact with? Especially now that he seems to have something on his mind. सरकार, जले हुए पेपर पर बतांबे का नाम था, और बोस के जापानी सिपाहियों में वो उनके काफी खास थे। Right. We'll get figs to track him down. Find out if he's in Incheon. Nakamura too. Anderson ने figs और ब्रिटिश पुलिस की एक टुकड़ी जापान में बैठे
बोस के करीबी किंजी वटाम्बी और नाकामुरा के पीछे लगा दी थी। हेलो। जो पहली चीज पता चली वो ये थी कि दोनों को एक ही समय पर अलग अलग फोन आया था। वटाम्बे और नाकामुरा को जो फोन आया उसमें आवाज मर्द का था जो जापानी में बात कर रहा था, पर उसका मातृभाषा जापानी नहीं था। Let's get to the point, Darbari. सरकार, हम ये कह रहे हैं वो जापानी में बोला कि अंडरग्राउंड सेलिब्रेशन के लिए मिलना है। अंडरग्राउंड? What the devil does that mean? Underground? I'm talking about bunkers. We have no idea how many bunkers the bloody Japs built out there. We don't need to know, we just need to follow them. Now, where are they going? हाँ सरकार, हम यही कह रहे हैं कि चौंकाने वाली बात ये है कि ये लोग भी इंचों ही जा रहे थे। We got him. We got Bose. After all these years, we finally got Bose. Well, that would mean he's beginning to slip up. Didn't even try to cover his tracks this time. यही तो हमको अजीब बात लग रहा है सरकार। आपको नहीं लगता कि वो जानबूझकर हमको इंचों भेज रहा है, जैसे कि वो चाहता हो कि हम इंचों जाएं? Giving him too much credit, Darbari Lal. He's alone. He's tired. He's making mistakes. नहीं नहीं सरकार, हमारी माँ कहती थी घोड़ा चाहे थका हो घायल हो घोड़ा ही रहता है, वो गधा नहीं बन जाता। और हम आपको बता रहे हैं बोस बाबू कभी अकेले नहीं होते। Is your Darbari Lal in love with Bose or what? You can tell him to shut up now. We'll send figs to Incheon. And just to be on the safe side, keep an eye on anyone Bose might get in touch with. We've got it covered, sir. Anyone Bose may try and contact is under surveillance. Excellent. That will be all. Get me figs. Emilie, I don't know whether you believe in this or not, but people say Bose is alive. They are not liking it, aren't they? Maybe that's why I'm still being watched. Watched? By whom? And since when is this going on? Dr. Mathur, if you're careful enough, you would see that probably you're being watched too. Why is Bose alive? You see, you can't spy on dead people. How have you been dealing with this all alone? He trained me well. Write to me in German. Our British friends read your letters before I read them. It's been more than 3 years since I saw you. Do you not miss me? I have sent you a picture of myself. It's a Bengali dress called kurta. Kaku, क्या लिखा आपके दोस्त ने? लिखा है कि बाहें थोड़ा छोटा होना चाहिए था। कौन चाहता है कि आपकी बाहें छोटी हों? बोलने की बात है भाई। वो चाहती है कि बाहें इतनी लंबी हों। तो कुर्ते की बात कर रही थी भाभी। अच्छा भाभी, कुछ चूड़ियां चाहिए। 1 किलो चूड़ियां बांध दो भाई सुभाष के लिए। मजाक मत कर विभावती, उसकी नजर उतार। किसके लिए चूड़ियां भेज रहा है सुभाष? अरे वही जो इन्हें चिट्ठियां लिखती हैं। चिट्ठी लिखने के लिए तो कलम की जरूरत चाहिए सुभाष, चूड़ियां क्यों भेज रहे हो? वो वियना में चूड़ियां नहीं मिलती भाभी, तो मुझसे मांग लिए। वियना में तो हमारा सुभाष भी नहीं मिलता, उसने वो तो नहीं मांगा। अरे ये वही है ना जिसने तेरी सर्जरी के वक्त तेरी बहुत देखभाल की थी। सुभाष दा, आ जाइए। क्यों बोलो? ऑफिस में बहुत सारी मीटिंग्स आपके बिना हो रही है, आप चले मेरे साथ। कांग्रेस पार्टी के अपने उसूल है, अपने नियम कायदे हैं। पार्टी के हर कार्यकर्ता को उन नियमों का पालन करना होगा। अगर कोई कार्यकर्ता इन नियमों का उल्लंघन करता है तो पार्टी उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस का प्रेसिडेंट हूं मैं नेहरू, और पार्टी के कुछ नियम कानून हैं।
मंजूरी ना सही तो इत्तलाई कर देते कि मीटिंग है। हिटलर के साथ किसी भी तरह का समझौता गलत है। कांग्रेस तुम्हारे इस रवैये से काफी परेशान है। मैं कहां समझौते की बात कर रहा हूं। नेहरू, हमें अंग्रेजों के खिलाफ एक मजबूत हथियार चाहिए और हिटलर हमारा वो हथियार है। हिटलर, तुम जानते हो ना उसके हिसाब से हिंदुस्तानी भी ज्यूज और अफ्रीकन्स की तरह नीची जाती है। ये बड़ा अच्छा हथियार चुना तुमने। हथियार उतना ही अच्छा या बुरा होता है जितना चलाने वाले की नीयत। हिटलर इज अ मर्डरर बोस। और अंग्रेज वो क्या है? उन्होंने तो आज तक किसी को मारा ही नहीं है ना। इतने सालों से हमारे घर में घुस के हमें मार रहे हैं। क्या फर्क है अंग्रेज और हिटलर में? बापू कभी नहीं मानेंगे, कांग्रेस नहीं मानेगी। आई कांट एवर एग्री टू दिस। ये फैसला आपका अकेले का होगा। हिंदुस्तानी वर्ल्ड वॉर टू में अंग्रेजों की तरफ से लड़ेंगे। ये फैसला बापू ने अकेले लिया। हमसे पूछा? हिंदुस्तानियों से पूछा? बापू का विश्वास? उन सिपाहियों से पूछा कभी? बापू का विश्वास है कि हमारी मदद के बदले ब्रिटिश सरकार हमारी बात सुनेगी। अंग्रेजों की तरफ से हथियार उठाना, अपनी जान गंवाना, ये तो अहिंसा का मार्ग है ना नेहरू। नेहरू, तुम एक काम क्यों नहीं करते? बापू से कहो कि अंग्रेजों को समझाएं कि वर्ल्ड वॉर टू अहिंसा के मार्ग पर चल के जीत लें। और अंग्रेज ही क्यों, उन्हें कहो कि हिटलर को भी अहिंसा का पाठ पढ़ाए। ये सारी अहिंसा हम हिंदुस्तानियों के लिए क्यों है? नेहरू, कुछ लड़ाइयां ना सिर्फ अहिंसा से नहीं जीती जाती। सुभाष, गांधी जी और नेहरू ने नेताजी का साथ नहीं दिया, पर बोस भी जिद्दी थे। 1939 में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देकर अपनी खुद की पार्टी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। भाइयों और बहनों, हमने जो आजादी की लड़ाई छेड़ रखी है उसे तब तक जारी रखना है जब तक मुकम्मल आजादी हासिल ना हो। जितना जल्दी हम सब आपसी मतभेद भुलाकर और एकजुट होकर इस लड़ाई में शामिल होंगे उतनी जल्दी हमें आजादी मिलेगी। आप सबका आत्म बलिदान का वक्त आ गया है। न मालूम कब बिगुल बज उठे। इस वक्त जमाना हमारे अनुकूल है। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का हमें लाभ उठाना चाहिए। बरसों से हो रहे शोषण के कारण हिंदुस्तान गरीबी की चक्की में पिस रहा है। दो वक्त की रोटी मुहाल है और इन सब कुरोगों की एकमात्र रामबाण औषधि है आजादी, जो राष्ट्रीय एकता पर निर्भर करती है। इस वक्त कमजोर होना सबसे बड़ा पाप है। गुलामी सब कष्टों की जड़ है और वक्त आ गया है कि हम सब गुलामी की इन जंजीरों को निकालकर फेंक दें। आप सबको एकजुट एक प्राण होकर प्रतिबद्ध होना होगा। हिंदुस्तान अब गुलाम नहीं रह सकता है और ना ही कोई ताकत हिंदुस्तान को गुलाम रख ही सकती है। हां, स्वतंत्रता के लिए मूल्य चुकाना होगा और आप सबको इसके लिए तैयार रहना होगा। हम गुलाम हिंदुस्तान में पैदा जरूर हुए थे, पर आजाद हिंदुस्तान में जिएंगे और आजाद हिंदुस्तान में मरेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, फिर कहीं जिंदाबाद। शातिर मुसाफिर मिट्टी के खाते घर आएगा। पुलिस आई थी? आई थी, चली गई। हाँ, इंचोन और बोस बाबू रशिया।